विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का इंतजार खत्म। जम्मू कश्मीर में हुआ चुनाव का ऐलान। 18 सितंबर से वोटिंग शुरू, 3 चरणों में होंगे मतदान। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दी जानकारी। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। वही चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। बता रहे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। पहले चरण के लिए नामांकन 27 अगस्त, दूसरे चरण के लिए 5 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 12 सितंबर को दाखिले किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान किश्तवाड़, रामबन, डोडा, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां व कुलगाम में मतदान होंगे, जबकि दूसरे चरण में गांधरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रजौरी व रियासी में होंगी वोटिंग। और आखिरी चरण यानी कि पहले अक्टूबर को जम्मू, उधमपुर, सांबा व कठुआ इलाके में डाले जाएंगे वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए दौरा किया था। लोगों में काफी उत्साह देखा गया, वे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कुल 87.9 लाख है, जिसमें 44.40 लाख पुरुष और 42.62 लाख महिलाएं मतदाता है। जम्मू कश्मीर में युवा मतदाताओं की संख्या 20 लाख है। बता दें कि आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में 87 सीटों पर हुआ था, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई हैं। 90 विधानसभा सीटों में 74 सामान्य, 7 SC और 9 सीटें ST के लिए आरक्षित है। जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल पहले 6 साल का होता था, अब 5 साल का होगा।